एबीपीएस न्यूज की टीम का सिलसिला जारी है और गांव पहुंचकर हर गांव की स्थिति का वास्तविक जायजा लेना अभी भी चल रहा है। इसी के चलते एबीपीएस न्यूज की टीम राजपुर केसरिया गांव पहुंची, जहां के ग्राम प्रधान ने बताया कि उनके द्वारा गांव में काफी विकास के कार्य कराए गए हैं। ग्रामीणों की समस्याओं को अपने स्तर से हल कराने का भी वो पूरा प्रयास करते हैं। इसके लिए चाहे उन्हें जिला मुख्यालय हो या तहसील मुख्यालय, कहीं भी जाना हो, अपने गांव के लोगों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं प्रधानपति ग्राम पंचायत राजपुर केसरिया ऋतुराज चौहान। मेरी पंचायत में 80% मोहम्मदन है, 20% हिंदू है। सभी लोगों ने मिलजुल के मुझे प्रधान बनाया है। हमारा गांव एक गंगा जमनी तहजीब का गांव है। यहां पर आज तक कोई भी किसी तरह का विवाद या फसाद नहीं होता। हमारे गांव में बहुत शांति, अमन, चैन है। हमने अपने स्तर से जितना भी पैसा हमें भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने चौथे वित्तीय राजनीति के अंतर्गत आया है, हमने उससे भी कहीं अधिक अपने गाँव के अंदर विकास कराया है। शायद मैं दावा कर सकता हूँ कि जितना विकास मैंने अपनी पंचायत में कराया है, इतना विकास शायद किसी और पंचायत में हुआ अपने स्तर से। चाहे वो 60 साल हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे शौचालय हो, चाहे आवास, इंदिरा आवास हो, अधिक से अधिक जितना मुझसे हो सका है मैंने पंचायत के लिए मंजूर कराए हैं। और आवास की आने वाली सूची में मैंने 250 नाम और स्वीकृत कराए हैं, जो जल्द ही ग्रामवासियों को मुहैया कराए जाएंगे। केसरिया का रहने वाला हूँ और मजान नाम मेरा। काम विकास बहुत बढ़िया हुआ है। 50 साल में विकास नहीं हुआ है, सब हुआ है।